आज हम आपको लेसन सिक्स यूनिट सेकंड जॉली गेम से लेके डायरेक्शन तक का करवा रहे हैं। इसकी स्पेलिंग देखिए, गेव ओवर मानी रोक दिया, अबंडन अबंडन मानी निर्जन, शेयर शेयर मानी बांटना, स्कर्ट स्कर्ट मानी झाड़ियाँ, पाइन पाइन मानी चीड़ का वृक्ष, अब्लाइज मानी आभारी, क्यूब्स मानी खुर और इनर स्ट्रंग मानी पलभर, डायरेक्शन मानी दिशा और बाजार मानी गिद्ध। लेसन का अर्थ देखिए, जॉली गेव हिमसेल्फ ओवर टू थ्रो ऑफ द फॉर्म। जॉली अपने जॉली ने वृक्षारोप के बारे में जो विचार करना था वो बंद कर दिया। दे पास्ड द अबंडन क्लियरिंग, वह उस साफ वीरान मैदान की तरफ से गुजरे। ही सैड, उसने कहा, कट टू द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ लेके चलो, उसने कहा कि उत्तर दिशा की तरफ लेकर के चलो। मिलवी, इट वाज अप हियर दैट पा गॉट बीटन बाय द स्नेक एंड किल्ड द डो एंड आई सा द फॉन। यह इट वाज हियर, यह वह स्थान है जहाँ पा गॉट बीटन बाय द स्नेक, जहाँ पर स्नेक के द्वारा, सांप के द्वारा पिताजी को काटा गया था। एंड किल्ड द डन डो एंड आई सा द फॉन, और जहाँ पर हमने हिरणी को मारा था और हमने वहाँ पर हिरण के बच्चे को देखा था। सडनली जोड वाज अनविलिंगली टू हियर हैव मिलविल विथ हिम। अचानक जॉर्ड को ये अनिच्छा व्यक्त हुई कि वह मिलविल के साथ वहाँ नहीं जाए। इफ द फोन वॉज डेड, यदि वह फोन मरा हुआ होगा तो, और कुड नॉट बी फाउंड, या फिर वह नहीं मिला, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, तो यह उसके लिए बहुत ज़्यादा निराशाजनक दृश्य हो सकता था। एंड इफ द फोन वॉज देयर, और यदि वह फोन हिरण का बच्चा वहाँ हुआ, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट, तो वह जो मिलन है वह इतना अच्छा होगा और इतना गुप्त होगा कि उसको मैं बिल्कुल अपने आप में किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहता, किसी के साथ उसे बांटना नहीं चाहता। ही सैड इट्स नॉट फार नाउ, उसने कहा कि अब ज़्यादा दूर नहीं है, बट द स्कार इज वेरी थिक फॉर ए हॉर्स, लेकिन एक घोड़े के लिए यह जो झाड़ियाँ हैं बहुत घनी है। आई कैन मेक इट ऑन फुट, मैं आगे पैदल जा सकता हूँ, बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू लेक बॉय, लेकिन बच्चे मैं तुम्हें इस डरावने जगह पर अकेला नहीं छोड़ सकता। सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बीटन बाय द स्नेक टू, या तो ऐसा महसूस करो कि तुम रास्ता भूल सकते हो और तुम कोई सांप के द्वारा भी काटे जा सकते हो। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू, आई विल टेक केयर, मैं अपनी देखभाल खुद कर सकता हूँ, करूँगा। इट माइट टेक मी ए लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फॉर्न, अब माइट टेक मी ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय, मुझे लंबा समय मिल सकता हो सकता है कि मैं उस हिरण के बच्चे को ढूंढूं। इफ ही इज वांटेड, यदि मुझे उसे तलाश करना पड़ा, लीव मी ऑफ राइट हियर, अब मुझे यहाँ अकेला छोड़ दीजिए। ऑल राइट बट यू टेक इट इजी नाउ, लेकिन तुम्हें इसे बहुत ही आसानी से ढूंढना पड़ेगा। यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट, तुम यहाँ पर जानते हो ना उत्तर और पूर्व के बारे में, उत्तर और पूर्व के बारे में क्या तुम यहाँ जानते हो। देयर एंड देयर, यहाँ पर वहाँ और वहाँ,
that tall pine makes a bearing so long. यह लंबा जो चीड़ का वृक्ष है वह इस बात का काम करेगा, मेरे दिशा सूचक यंत्र का काम करेगा. So long till I am obliged. तब तक विदा, तब तक मिलमिल. He waited for the sound of the whose end to end. उसने इंतजार किया उस घोड़े के खुर जब तक उसकी आवाज बंद नहीं हो गई, तब तक उसने उसका इंतजार किया. Then cut to the right. उसके बाद उसने दाई तरफ अपनी दिशा को मोड़ा, दाई तरफ वह चल दिया. द स्कर वॉज स्टिल, झाड़ियाँ अभी भी बहुत शांत थी. ओनली हिज ऑन क्रैकरिंग ऑफ ट्विंग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस. केवल उसके द्वारा की जा रही टहनियों की जो चरमराहट थी वह चारों तरफ सन्नाटे में सुनाई दे रही थी. ही वॉन्डर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन. वह एक पल हैरान रह गया कि कहीं वह गलत दिशा में तो नहीं आ गया. अब इसके बाद का जो लेसन है वह हम आपको कल पढ़ाएंगे, और इसका जो क्वेश्चन आंसर है वह भी आपको हम बाद में कराएंगे. थैंक यू.